वीडियो में हम कुछ 10 सेंटेंसेस और वर्ड ऐसे ऐसे सीखेंगे जो हमारी डेली लाइफ में यूज होते हैं और उसको आप कितना भी ढूंढने की कोशिश करते हो तो बहुत ही मुश्किल से मिल पाता है और कभी कभी मिल भी नहीं पाता है। तो ऐसे ही मैं 10 वर्ड लेके आया हूँ आपके लिए, तो हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हालात और परिस्थितियां जो होती है, जैसे कि कोरोना वायरस आजकल चल रहा है, ठीक है, तो ऐसे हालात के बारे में, तो हालात को क्या कहा जाता है दोस्तों, हालात को क्या कहा जाता है, हालात को सर्कमस्टेंसेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्कमस्टेंसेस कहा जाता है। अब मैंने इसका एक सेंटेंस जैसे मैं बनाता हूँ कि ये हालात बहुत नाजुक है, मतलब जो अभी हालात चल रहा है बहुत ही क्रिटिकल है, तो उसको क्या बनूंगा, दीज सर्कमस्टेंसेस आर वेरी क्रिटिकल, These circumstances are very critical. देखा दोस्तों कितना आसान है बनाना। दोस्तों अगर किसी भी वर्ड, अगर आपको वर्ड मीनिंग पता है उसका, ठीक है, और उसके टेंसेस पता है कि किस टेंस में यूज करना है, तो दोस्तों ये बहुत आसान हो जाता है कि हमें सेंटेंस बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमें बस, जैसा कि मैंने हर वीडियो में मैं बताता हूँ कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट देखना होता है, फिर उसके बाद लास्ट में जाके हम क्या करते हैं, उसके हेल्पिंग वर्ड देखते हैं कि कौन सी हेल्पिंग वर्ड उसमें लगेगी, मतलब कौन सा टेंस है, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद जैसे बनता है कि पीछे से शुरू करना होता है, हिंदी हम क्या करते हैं, पहले से शुरू करते हैं, जैसे यह हालात बहुत नाजुक है, और इंग्लिश में हम क्या करते हैं, पहले सब्जेक्ट उतारने के बाद पीछे से शुरू किया जाता है, तो वैसे ही हर सेंटेंसेस वैसे ही बना करते हैं दोस्तों। अब आइए हम नेक्स्ट वाला देखते हैं, यह बहुत बकवास है। अब हम बोलते हैं ना कि अरे चल चल जा, यह बहुत बकवास है, तो मतलब उसमें क्या होता है कि यह बहुत बकवास है, तो उसको क्या कहते हैं, दिस इज वेरी ऑफुल। बकवास को क्या कहा जाता है, ऑफुल कहा जाता है, AWFUL, ऑफुल, यह बहुत बकवास है, तो दिस इज वेरी ऑफुल। अब इसको कोई भी टेंस में बनाइए, मैंने बोला कि यार वहां गया था ना, वो बहुत ही बकवास था, बहुत ही मतलब बोले ना कि एकदम भद्दा गया, बहुत ही बेकार था, तो क्या बोले, दैट वॉज वेरी ऑफुल, दैट वॉज वेरी ऑफुल। अब दोस्तों आइए हम नेक्स्ट वाला देखते हैं, यह अजीब लगता है। क्या बोलते हैं हम, यह अजीब लगता है, बोलते ना कह रहे यार सच में यार ये बहुत अजीब लगता है, तो हम उसमें अगर हमारा नॉन लिविंग थिंग्स है, तो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ पता ही कि हम इट लगाते हैं, तो क्या बोलेंगे, इट सीम्स ऑकवर्ड, इट सीम्स ऑकवर्ड। अब दोस्तों इट मैंने लगाया, इट हम नॉन लिविंग थिंग से यर के साथ लगाता, और सीम्स मैंने एस क्यू लगाया, क्योंकि पता ही है दोस्तों ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का टेंस है, और जब भी प्रेजेंट इंडेफिनेट में अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसके वर्ब के साथ एस या ईएस का यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर ये नहीं समझ में आ रहा कि एस क्यों लगाया मैंने, तो हमारे लास्ट वाली वीडियो को मैंने प्रेजेंट इंडेफिनेट का वीडियो बना रखा है, तो उसमें आप देख सकते हैं एस और यस कहाँ लगता है और कैसे लगता है, तो उससे आपको समझ में आ रहा है, ठीक है दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। आगे हम नेक्स्ट वाला देखते हैं, वह मेरी देखभाल करता है। अब दोस्तों देखभाल को क्या बोलते हैं, देखभाल को क्या कहते हैं, लुक आफ्टर, लुक आफ्टर, वह मेरी देखभाल करता है, He looks after me. वह मेरी देखभाल करता है। अब दोस्तों आइए हम नेक्स्ट वाला देखते हैं, देख ढूंढना, ढूंढना को क्या कहते हैं, ढूंढने को दोस्तों पता ही है, फाइंड कहते हैं, सर्च कहते हैं, ठीक है। तो अब ये चीज क्या है कि अब ये एक चीज तरह का सपोज करते हैं, वह मुझे ढूंढ रहा है, जैसे मैं, वह मुझे पीटने के लिए ढूंढ रहा है, तो सर्चिंग तो लगाते हैं, ठीक है, लेकिन सर्चिंग के साथ साथ हम लुक फॉर भी लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे मैंने कि कपड़ा मैंने कहीं रख दिया, ठीक है, या वह इस चीज के लिए ढूंढ रहा है, जॉब ढूंढ रहा है, तो सर्चिंग भी लगाते हैं, सर्चिंग के इंस्टेड ऑफ द सर्चिंग हम क्या करते हैं, लुक फॉर भी लगाते हैं, क्या लगाते हैं हम, लुक फॉर। अब जैसे मैंने बोला मैं उसे ढूंढता हूं, जब भी मुझे उसे काम पड़ता है तो मैं उसे ढूंढता हूं, तो क्या बोलूंगा, आई लुक फॉर हिम, आई लुक फॉर हिम दोस्तों, ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट वाला देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वाला जो सिद्ध करना होता है, सिद्ध करना मतलब पूरा करना या फिर पूरा कंप्लीट करना या फिर एकदम सिद्ध करना, मतलब दोस्तों पता है कि पूरा हल करना एक तरह का, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, अकम्प्लिश, उसे क्या कहा जाता है, अकम्प्लिश कहा जाता है। अब आइए हम इसका सेंटेंस बनाते हैं, जैसे मैंने बोला कि वह उसे पूरा कर दिया है, या उसने उसे पूरा कर दिया है, मतलब कंप्लीट कर दिया, उसे एकदम सिद्ध कर दिया है, ठीक है, तो क्या बोलूंगा, ही कंप्लीट दैट, ही कंप्लीट दैट। ये दोस्तों ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसलिए मैंने इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज किया है, और कंप्लीट क्या है, एक वर्ब है, ठीक है। अब आइए हम नेक्स्ट वाला देखते हैं दोस्तों, हाफना, हाफना को क्या कहते, गैस कहा जाता है, हाफने को क्या कहा जाता है, गैस। अब मैंने जैसे मैंने बोला कि वह भाई दौड़ते दौड़ते हाफ गया, ठीक है, या वह दौड़ने के बाद हाफ रहा है, वह दौड़ने के बाद हाफ रहा है, तो क्या होगा, ही इज गैस्पिंग आफ्टर रनिंग, ही इज गैस्पिंग आफ्टर रनिंग।
अब आइए हम नेक्स्ट वाला देखते हैं दोस्तों। अब बढ़ा चढ़ाकर क्या कहते हैं एक्सेग्रेट मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर किसी के बारे में बोलने, जिसे हमने कहा था किसी के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बोला। जैसे दोस्तों पता ही चलता है कि बिचौलिया जो होता है वो क्या करते हैं, दोस्त और वो लड़का और लड़की के दोनों के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं, मतलब जितना होता है उससे ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं। आइए हम इसका नेक्स्ट वाला सेंटेंसेस देखते हैं कि इसे सेंटेंस में कैसे यूज किया जाता है। मैंने बोला कि वह उसे बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा है, मतलब वह उसके बारे में बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा है, वह उसके बारे में बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा है। तो क्या बोलेंगे, ही इज एक्सप्रेटिंग अबाउट हिम, ही इज एक्सप्रेटिंग अबाउट हिम। यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, ठीक है। अब आइए हम नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्या आता है दोस्तों, फिजूल खर्च दोस्तों, ठीक है। फिजूल खर्च जैसे क्या होता है कि अब कोरोना में तो ऑलमोस्ट मुझे इतना लगता है कि 99% जो हो गए हैं वो क्या होते हैं, फिजूल खर्च करना बंद कर दिए, क्योंकि हालात ही ऐसे हैं कि फिजूल खर्च करेगा तो भाई कमाएगा क्या और रखेगा क्या, ठीक है, क्योंकि अब किसी के पास बचाएंगे। तो फिजूल खर्च क्या होता है जो हम कहते हैं कि फिजूल खर्च के लिए जो यूज करते हैं, तो फिजूल खर्च को क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा विगेंस। वैसे एक्सपेंडिचर लेकिन अकाउंट में होता है, लेकिन वो फिजूल खर्च नहीं होता, वो क्या होता है, खर्ची खर्च होता है एक तरह का, ठीक है। लेकिन हम इसमें क्या कहते हैं, फिजूल खर्च जो हमारे मतलब जो काम का खर्च ना हो तो उसे क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा विगेंस। अब इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं, जैसे मैंने बोला कि वह अपने फिजूल खर्च मतलब छिपाता है, जैसे मैंने बोला जैसे हम हो गया, कोई भी हो गया, ठीक है, कि वो अपनी मम्मी पूछते हैं कि भैया इतने इतने खर्च कैसे हो गए, तो क्या करता वो मतलब जोड़ तोड़ के बताता तो, लेकिन वो अपने फिजूल खर्च नहीं बताता मम्मी को, कि मतलब वो छिपा लेता उसे, तो उसको क्या बोलेंगे, वह अपने फिजूल खर्च छिपाता है, तो क्या बोलेंगे, ही हाइड्स हिज एक्स्ट्रा विगेंस। अब आइए हम नेक्स्ट वाला देखते हैं दोस्तों। अब हम खर्चीला की बात करते हैं। अब हम इससे पहले हमें बात किया था क्या बोलता है, फिजूल खर्च, और अब हम बात करते हैं खर्चीला। जैसे होते हैं ना कि कुछ खर्चीला होते हैं, जैसे सामान ही बहुत खर्चीला होता है, घर बहुत खर्चीला होता है, कारें बहुत खर्चीले होते हैं, इसमें हम कहते हैं बंदे भी बहुत खर्चीले होते हैं, तो उसमें हम उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रावेगेंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, हम एक्स्ट्रावेगेंट कहते हैं। अब आइए हम नेक्स्ट इसके सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कि मैंने बोला मेरी कार बहुत खर्चीली है, मतलब भाई हर हफ्ते हर महीने क्या होता है कि उसमें कुछ ना कुछ उसे चाहिए ही होता है, मतलब एक तरह का जैसे कि खाना ही बोल दो कि कुछ ना कुछ भाई उसे होते ही रहता है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, एक्स जो हमारा वही खर्चीला जो होता है उसको क्या कहते हैं, एक्स्ट्रावेगेंट कहते हैं। अब जैसे मैंने बोला मेरी कार बहुत खर्चीली है, तो माई कार इज एक्स्ट्रावेगेंट। दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी, हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में बताएं कि आपको किस तरह के वर्ड चाहिए और किस तरह के सेंटेंसेस और किस तरह के वीडियो चाहिए, ताकि हम नेक्स्ट वाला वीडियो उसी उसी टॉपिक पे बना सके। थैंक यू।